Hello everyone. Hi, this is Karan Singh from Achievers Academy, Gandhinagar. Welcome back to my channel. In the last class of 8th standard, we discussed the exercise 6.3. Okay, उसमें कुछ questions हमारे last के एक दो रह गए थे जिसको हम discuss कर लेते हैं आज. ठीक है, तो हमारे पास हमने last question किया था 6th question. Okay, that was that. मैं आपको दिखाता हूँ question. आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 6th question आपके display में, right? आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन. प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक हैंडी विथ यू. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ता हूं आपके लिए. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे हमको डिवाइड करके उसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना था. ओके, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइज करना है, जो नंबर एक बच जाएगा दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, तो उसको डिवाइड आपको दोनों साइड करना है. दोनों साइड डिवाइड करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाता है. क्लियर? सो वो अब हम 7th पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो इफ यू कैन सी द 7th क्वेश्चन, राइट? ओके, यू कैन सी द 7th क्वेश्चन. द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेट रुपीज 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड. ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो यहां पे ऐसा बोला है कि जितने स्टूडेंट थे क्लास में, मतलब मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 रुपीज एक बच्चे ने दिए. मतलब जितने बच्चे उतने ही पैसे क्लास में उन्होंने दिए. ओके, सो कितना एक बच्चे ने दिया हमें ये फाइंड करना है. ओके, सो 2401 है. ओके, 2401 हमारा टोटल अमाउंट है. तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे. यहां पर प्राइम फैक्टराइज करना है और यहां पर क्या फाइंड करना है हमको, 2401 का स्क्वायर रूट. तो हमको पता है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है. प्राइम फैक्टराइज कीजिए, जो आपका आंसर है प्राइम फैक्टराइजेशन का वो आंसर होगा. क्लियर? अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि जितने स्टूडेंट हमारे 50 स्टूडेंट्स है, 50 रुपीज ज्यादा, 50 × 50 2500, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं. ओके, तो वो भी सेम क्वेश्चन है. वहां पे आपको प्लांट के प्लांट प्लांटेशन करना है, आपको रोज और कॉलम सेम रखने हैं. ओके, तो यहां पे भी आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यू विल बी राइटिंग द आंसर. क्लियर? देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टू जो क्वेश्चन एक जैसे हैं, वहां पे आपको क्या करना है, आपको उन दोनों क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9, 10 और नीचे वाले में भी आपको 8, 5, 15 और 20, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जिससे वो तीनों डिवाइड हो सके. तो ऐसे क्वेश्चन के हम क्या करते हैं, ओके, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. मतलब आप लोग शायद इसको अपने लैंग्वेज में जानते होंगे, एलसीएम निकालना. ओके, यू माइट बी नोइंग दिस एज द मेथड ऑफ एलसीएम. सो हम एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, बिकॉज 2 दो नंबर है जो 2 के टेबल में आ सकते हैं. तो 2 4 8, 15 को एज इज रहने देते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट 2 10 20, देन आफ्टर दैट 2, देन 2 2 4, देन 15 2 5, देन लेट्स अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से 2 से कर दो. तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 1 2 15 5, देन हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो दो लोगों में कॉमन है, दो नंबर्स में कॉमन है, 5 3 15 5 1 5, देन 3 1 1 1. सो हमारे पास जो हमारा आया 8 15 का, तो वो क्या आया, 2 × 2 × 2 × 5 × 3. ओके, क्लियर? तो इन तीनों नंबर से कॉमनली डिविजिबल होगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? Understood. So this will be your answer. Understood everyone? आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 12 10 120 होगा. ओके, तो 120 विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर? फाइन. सो इस तरह से आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो. सो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. ओके, 6.3. आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज 6.4 भी स्टार्ट करते हैं. 6.4 में हमारे पास जो आज टॉपिक्स है, फाइंडिंग द स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड. ओके, फाइंडिंग द स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड जो हमारा आज का टॉपिक है, जो मेन हमारा वो है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय, ओके, डिवीजन मेथड. ये आपके लिए थोड़ा नया है, इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा. ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू सी हम किस तरह से डिवीजन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो
हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. द क्वेश्चन इज 729. ओके, 729 हमारा क्वेश्चन है. इसको हमको लॉन्ग डिवीजन से पता करना है इसका रूट क्या होगा. तो हम लॉन्ग डिवीजन होता क्या है मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा. सो पहला स्टेप, आपने 729 लिख दिया. अब चाहे जितने भी नंबर हो, 3 डिजिट 4 डिजिट, आपको पीछे से पेयर बनाने हैं, मतलब दो दो का पेयर. ये अकेला बच गया चलेगा, कोई बात नहीं. अगर 5 होते तो पहले दो, ये दो और तीसरा पेयर बनता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर कितने भी हो, पेयर आपको पीछे से बनाना चालू करना है. अब आप यहां पे जो नंबर रखेंगे, आपको यहां पे भी वही नंबर रखना पड़ेगा, मतलब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मान के चलो मुझे 7, तो मुझे 7 से छोटा चाहिए, तो मैं यहां पे 3 रखूंगा तो 3 से 9 हो जाएगा, 2 रखूंगा 2 से 4 हो जाएगा. तो मेरे लिए तो क्या सही है, 2 रखूं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 क्यों नहीं रख सकता, 3 3 9 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा 7 से. तो 2 2 मैंने रखा तो क्या हुआ यहां पे 4, अब क्या बचा 3. अब यहां पे तो आप नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसमें सिंगल सिंगल नंबर आप नीचे उतारते हैं, बट यहां पे पेयर में नंबर्स आते हैं नीचे, मतलब यहां पे 2 9 नीचे आएगा, ठीक है. और अगर इसके बाद भी दो नंबर होते तो वो 2 नीचे आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. ओके, सो अब जो आपने यहां पे 2 रखा, यहां पे भी 2 से ऐड करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले, तो क्या हो गया ये 4. क्लियर, इतना समझ आया. फिर से एक बार देखिए, हमारा 729 है, पीछे से आप पेयर बनाइए, आपके पास एक ये बच गया नंबर, आप जो यहां नंबर रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करना है यहां पे. तो आपने 2 रखा तो 2 2 4, 3 रखते तो 3 3 9, तो 9 देख सकते उससे बड़ा होता. ओके, फिर आपने जो यहां रखा उसी से आप ऐड किया, 2 2 4 आ गया. ओके, 4 आ गया. अब आपको जो नंबर आप रखेंगे आप यहां रख सकते हैं 4 के साइड में. ओके, तो 4 के साइड में मैं अगर 0 रखता हूं, ओके, 4 के साइड में मैं 0 रखता हूं तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरा 0 हो जाएगा. 4 के साइड में 1 रखता हूं मतलब 41, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 1 रखूंगा, ठीक है. तो ऐसा कोई नंबर सोचते हैं जिसके हम नियरेस्ट यहां तक जा सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे रखता हूं 47 7 7 7 रखूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 9 4, 7 4 क्या होगा 28 और प्लस 4 32. 7 रखने से मेरा काम बन जाता है, तो मैं यहां क्या रखूंगा 7, तो 7 यहां भी रखना पड़ेगा मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 329 0 0 0. तो मेरा आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 27. अंडरस्टूड, क्लियर. सो इस तरह से आप कर सकते हैं चाहे कितने भी नंबर हो. ओके, आपको नियरेस्ट तक जाना है. मैंने ट्राई किया, मुझे कैसे ट्राई किया, मैंने 45 देखा, ठीक है, 42 देखा, 42 से मल्टीप्लाई करूं कितना होगा 80 के अराउंड पहुंचेगा, ठीक है, 3 से अराउंड करूं तो 120 के अराउंड पहुंचेगा. इस वजह से मैंने ट्राई मार के देखा. आप यहां पे रख के ट्राई कर सकते हो, 5 रखो 4 रखो ताकि आप इस यहां तक पहुंच सके. क्लियर, ओके. अब इसी में एक डेसिमल वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, बट डेसिमल में आपका क्वेश्चन होगा. ओके, तो डेसिमल वाले टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है. तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25. ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25. अब डेसिमल है, ओके, तो डेसिमल में घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप जैसा है आपको वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है. आप नॉर्मली ये ले लीजिए डिवाइड करने के लिए, 12.25 ले लिया, पीछे से पेयर बना दिया हमने. अब मान के चलो 0.1 के बाद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेयर हमारा वैसे कैसे तो सिंगल रहता. ओके फाइन, तो हमारे पास यहां पे क्या करना है हमको, हम यहां पे पहला हमारा टारगेटेड नंबर क्या है 12 है, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा 4. अगर मैं 2 रखता हूं 2 2 4, 3 रखूंगा 3 3 9, 4 रखूंगा तो 4 4 16, 4 तो रख नहीं सकता 16 हो जा रहा है, तो मैं यहां क्या रखूंगा 3 3 9. सो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर यहां पे 3. ओके, अब 3 रखा तो 3 से ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 3 6, सॉरी, तो यहां पे क्या हो गया 6 हो गया. फाइन, अब मुझे ये नीचे उतारने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट ऊपर ले गए तो ये नीचे आ गया 325. क्लियर, अंडरस्टूड. तो हमारे 325 नीचे आया. अब 325 कैसे आएगा, तो हमारे पास गेस करने का बहुत सिंपल तरीका है, 5 है लास्ट में, तो मतलब 5 जैसा कोई टर्म होगा मल्टीप्लाई में तो ही आएगा 65. 5 जा करके देखते हैं, 5 5 5 2 6 30 3 2 5 हो गया. तो हम क्या रखेंगे यहां पे 5 रखा, यहां भी 5 आएगा तो 325. क्लियर, 0 0. सो स्क्वायर रूट ऑफ
12.25 is equals to क्या होगा 3.5. Understood? Point वाला कैसे करना है? Clear? So इस दो तरह के क्वेश्चन तो हमारी इस एक्सरसाइज में है और ये मेजर है क्योंकि इस पे ही बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. ओके क्लियर. सो आप यहां पे देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज में 6.4 राइट जो पहला क्वेश्चन है. ओके तो पहला क्वेश्चन वही है सेम जैसा मैंने बताया आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर फाइंड करना है. ओके और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका थर्ड क्वेश्चन ठीक है थर्ड क्वेश्चन भी वही सेम है आपको उसी मेथड से डेसिमल वाले टर्म्स को आपको फाइंड करना है. क्लियर. अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. यहां बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे. लाइक मान के चलो चार डिजिट का नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट करें तो कितने डिजिट्स बचेंगे. एक बचेगा दो बचेगा तो कैसे चेक करते हैं बताता हूं उसका एक ट्रिक है. ओके तो आपको देखना है कि कितने टर्म्स है आपके. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो का 64 और 114 है. ओके चलो वो छोटे हैं मैं थोड़े बड़े की बात करते हैं हम यहाँ पे. हमारे पास यहाँ पे 489 है और 2725 है. ओके 489 एंड 27225 है तो 4489 में कितने हैं चार है. चार होने की वजह से 4489 में हमारे पास कितने हैं चार है. ओके और यहाँ पे क्या है 27225 में पांच है तो ऑड होगा इवन होगा तो हम क्या कर सकते हैं. हमारे पास दो नंबर है 4489 क्या नंबर है 4489 तो इसका स्क्वायर रूट में कितने टर्म्स होंगे और दूसरा है 27225 इसमें कितने टर्म्स होंगे. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको नंबर काउंट करना है. ये क्या हुआ चार हुआ मतलब ये क्या हो गया इवन और ये क्या हो गया ऑड. तो जब भी इवन हो तो आपको क्या कर देना है n बाय टू मतलब 4/2 दैट इज इक्वल टू 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 टर्म्स होंगे. अब ऑड है कितने टर्म्स है तीन चार पांच तो उसमें क्या करना है n प्लस 1/2 मतलब हमारा n कितना है 5 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3. ओके तो 3 टर्म्स हो गए. तो इस तरह से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि किसी के स्क्वायर रूट में कितने टर्म्स हो सकते हैं. क्लियर फाइन. सो आज की क्लास के लिए हम इतने क्वेश्चंस रखेंगे बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. प्लीज कंप्लीट आप इतना कर लीजिएगा ठीक है. हम लास्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में अपना पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे. ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे.